गुड मॉर्निंग गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग एमसीक्यूज़। आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे अकाउंटिंग के। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटिंग और बुककीपिंग के बारे में, जो थोड़ा बहुत मैं आपको क्लियर कर दूं। बेसिक्स में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग और बुककीपिंग दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। वो कैसे, अगर मैं एक पार्ट करूं तो जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है अकाउंटिंग के प्रोसेस में, उसको हम बुककीपिंग का नाम देंगे, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम अकाउंटिंग का नाम देते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, बुककीपिंग के अंदर जो स्टार्टिंग के पार्ट, कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन में। मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करता हूँ ये ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस की है या नहीं है। उसके बाद उसको मेज़र करता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन मनी में मेज़र हो सकती है या नहीं। उसके बाद मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करता हूँ। क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज़ करता हूँ। समराइज़ करने के बाद उसको एनालाइज करता हूँ, और एनालिसिस जो भी निकल के आते हैं उसको कम्युनिकेट किया जाता है किसको, यूज़र्स को। और वो यूज़र्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, उसको अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैनेजमेंट डिसीज़न मेकिंग के लिए इस्तेमाल करता है, अगर कोई क्रेडिटर है तो वो अपने पैसे को, पैसे की सेफ्टी के लिए उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करता है, तो एट्सेट्रा। तो मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ व्हाट, बुक कीपिंग। लेकिन अगर आप देखें प्रोसेस कंसर्न्ड विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अगर आप तीनों चीज़ों को देखें तो आपको तीनों चीज़ों में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात कहीं नज़र ही नहीं आ रही। और फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव, तो फिर आप अकाउंटिंग को क्या लेकर चलेंगे? अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग यहाँ पर बुक कीपिंग के साथ मर्ज करेंगे तो ही ये डेफिनेशंस जो हैं वो अकाउंटिंग का मतलब निकाल पाएंगी। अदरवाइज नहीं तो मैं अकाउंटिंग के बारे में आपको क्लियर करूं, ऐसे तो हम ओवरऑल अकाउंटिंग की अगर बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस की है या नहीं है, फिर मेज़र करो मनी में मेज़र होती है या नहीं होती, फिर उसको बुक्स में रिकॉर्ड करो, फिर क्लासिफाई मतलब लेजर बनाओ, समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओ, और उसके बाद एनालिसिस करो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद बैलेंस शीट एक डिराइव करो और कम्युनिकेट कर दो किसको, यूजर्स को। दिस ऑल इंक्लूड्स इन व्हाट, अकाउंटिंग। तो इसलिए आपके सारे के सारे पार्ट डिफाइंड क्लियर करते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, येस समराइजिंग इज द पार्ट ऑफ इट। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, येस। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर, येस। तो आंसर इज योर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं साथ साथ में आपको आंसर भी क्लियर करता जाऊंगा, हेयर इज योर आंसर डी। नेक्स्ट आता है आपका, अकाउंटिंग कवर्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब अकाउंटिंग कौन सी एक्टिविटी को कवर करती है? देखो, अभी 2 मिनट पहले आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके अंदर रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालिसिस ये सारा पार्ट आता है किसका, अकाउंटिंग का। बच्चा यहीं पे क्लियर कर देता है, कहता है ये भी अकाउंटिंग है, समराइजिंग एनालिसिस ये भी अकाउंटिंग है, आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी क्या है, अकाउंटिंग है, और रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ये भी अकाउंटिंग है। ऑल ऑफ दी अबव तो दिया नहीं गया, फिर इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है, पहले आइडेंटिफाई करो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं, फिर उसको मनी में मेजर करो, और बीच के सारे स्टेप करने के बाद कम्युनिकेट कर दो इंफॉर्मेशन टू परमिट जजमेंट।
दैट मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑल, ये आता है। इसमें पहले दो पार्ट भी हैं और लास्ट वाला पार्ट भी है, तो बीच वाला मीडिएटर होगा तो ही कम्युनिकेट हो पाएगा, इसलिए इट इंक्लूसिव ऑल द फैक्ट्स। तो आंसर इनमें से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट ये बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव होता तो मैं ऑल ऑफ दी अबव को भी जाता, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग का पार्ट बनती हैं। तो आंसर इज सी, वाई, बिकॉज इट इज मच सिग्निफिकेंट इन द अबव फोर। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। आप बताइए बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने आपको बताया बेसिकली होता क्या है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, और जो बाद का पार्ट है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। जिन बच्चों ने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ा होगा उन बच्चों को ये चीज़ क्लियर होगी कि जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बनाना, जिसमें मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करना, ये तीनों चीज़ें पार्ट ऑफ किसका बनता है? बुक कीपिंग का। इसीलिए कहता है टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फोरकास्ट करना किसका काम है? मैनेजमेंट का। और बोथ ऑफ दीज इज नॉट पॉसिबल, हेंस ए पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, ये हमारी क्लास 1 में हमने पढ़ा हुआ है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं फॉर एनी रीज़न, जिसमें उनका किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट जुड़ा होता है। देखो क्रेडिटर घर का है या बाहर का? बाहर का। डेटर घर का है या बाहर का? बाहर का। गवर्नमेंट घर की है? बाहर की। बाहर की। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इसलिए ये ओनर है, मालिक है, इंटरनल यूजर ऑफ द कंपनी है, बाकी सारे एक्सटर्नल यूजर ऑफ द कंपनी है। आंसर इज डी। नेक्स्ट पार्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो द इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कस्टमर्स, कस्टमर्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर्स आपके डेटर्स के बराबर हैं, क्योंकि डेटर कौन होता है? जो आपसे सामान खरीदता है उधार पर। तो कस्टमर और डेटर वन एंड द सेम थिंग हेयर। तो क्या डेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं? यस। पब्लिक, पब्लिक भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकती है इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। आप देखते हैं LTD कंपनीज जो होती हैं सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, हमारे के पब्लिक लिमिटेड के केस में पब्लिक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करती है। फाइनली कंप्यूटर ऑपरेटर, ही इज़ नॉट नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन आवर फाइनेंशियल पोजिशन। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेटर है, ये सिर्फ काम कर रहा है, दैट्स इट। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कंप्यूटर ऑपरेटर। नेक्स्ट कहता हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है जो जो सप्लायर्स, येस, इन्वेस्टर्स, येस, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, येस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस कौन सा नहीं है? क्या रिकॉर्डिंग करना अकाउंटिंग का प्रोसेस नहीं है? लेजर में पोस्ट करना नहीं है? ट्रायल बैलेंस में प्रिपेयर करना नहीं है? या पेमेंट ऑफ टैक्स देना नहीं है? तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हो तो टैक्स कैलकुलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, हेंस आंसर मस्ट बी डी। नेक्स्ट आपका आ जाता है 8th पार्ट। 8th पार्ट में आप पढ़ते हैं बुक कीपिंग कवर्स ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज। बुक कीपिंग अभी मैंने बताया, रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग एंड एनालिसिस, नो। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, मैं बार बार बता चुका हूँ। एनालिसिस इज नॉट द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, हेंस रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग इज द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। आंसर मस्ट बी ए। सम हाउ ये चीज़ भी हो सकती है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग एंड समराइजिंग, सम हाउ समराइजिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। कुछ लोग समराइजिंग को बुक कीपिंग का पार्ट मानते हैं, कुछ लोग समराइजिंग को अकाउंटिंग का पार्ट मानते हैं। आंसर आपका बी भी बन सकता था अगर एनालिसिंग नहीं दिया होता था, क्योंकि एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज, ये बार बार मैंने
गला फाड़ फाड़ के आपको सिखाया है कि पैसा जब ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, उसको कैपिटल कहते हैं, और जो अमाउंट विड्रॉ की जाती है पार्टनर के द्वारा, सॉरी ओनर के द्वारा, उसको ड्रॉइंग कहते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस इज टर्म्ड एज, आंसर मस्ट बी हियर सी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर मस्ट बी हियर सी कैपिटल। अ पर्सन टू हूम मनी इज ओड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, टू हूम मनी इज ओड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एज, देखिए, अ पर्सन टू हूम मनी, एक ऐसा पर्सन जिसका पैसा, एक ऐसा पर्सन जिसका पैसा हमने ओड किया हुआ है, हमने ओड किया हुआ है, एक ऐसा पर्सन जिसका पैसा हमने ओड किया हुआ है। ऑब्वियस है, हमने किसी का पैसा देना है तो हमने किसका पैसा देना हो सकता है, डेटर का देना होता है या क्रेडिटर का, तो आंसर इज क्रेडिटर, आंसर मस्ट बी ए। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनको उधारा सामान दिया हुआ है। लेकिन यहां पर बात करता है द पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द बिजनेस, जिसका पैसा हमारे बिजनेस में ओड किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, डेफिनेटली द क्रेडिटर। बैंक ओवरड्राफ्ट इज, ये चीज ध्यान देने वाली है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज, आप बता दीजिए, बैंक ओडी, मैंने आपको बार बार बताया कि ये क्या है, करंट लाइबिलिटी, इट इज़ ए करंट लाइबिलिटी। वाई इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी को ही शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। वाई इट इज़ करंट लाइबिलिटी, वाई इट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि जो लाइबिलिटी एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बनती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी तो वैसे ही 15 दिन के लिए मिलती है, तो इट मीन्स दैट कि जो विद इन अ डेज पेमेंट करनी है, दैट लाइबिलिटी इज माई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब बात करता हूँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एक ही मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर होती है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब पढ़ते हैं उसको। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड इज फिक्स्ड? नो। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड किस में फिक्स होता है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में। ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड? ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी रिकॉर्डेड? येस, द आंसर इज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। जो पैसे में ट्रांजेक्शन मेजर होती है उसको रिकॉर्ड करो, जो पैसे में मेजर नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करो। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं वैसे। ट्रांजेक्शन्स एंड अदर इवेंट्स आर रिकोगनाइज ऑन मर्केंटाइल बेसिस, तो ये मर्केंटाइल बेसिस की बात कौन करता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट करता है। तो ये अगर एक्रूअल कॉन्सेप्ट का होता तो ये आता, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता तो ये आता, पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है तो हमारा ट्रांजेक्शन बी बनता है आंसर। नेक्स्ट कहता है एज पर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अभी आपको 2 मिनट पहले मैंने बताया कि अगर मर्केंटाइल बेसिस होता तो क्या लिखते? एक्रूअल कॉन्सेप्ट लिखते। तो हेयर इज योर मर्केंटाइल, आंसर मस्ट बी योर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, बिजनेस एंटरप्राइज हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने? दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? बिजनेस इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो अगर यहां पर बिजनेस एंटिटी होता तो मैं ए मार्क करता, पर एक्रूअल की बात करता है मतलब मर्केंटाइल की बात करता, तो आंसर मस्ट बी योर बी। नेक्स्ट कहता है इन मैचिंग प्रिंसिपल क्या रूल लागू होता है? मैचिंग का क्या मतलब था? इस साल का खर्चा इस साल की इनकम के साथ क्या किया जाए? मैच किया जाए। नाउ अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ, बिजनेस एंटरप्राइज हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम, दिस इज अ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑल एक्सपेंसिस रिलेटेड टू द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड आर टेकन टू बी इन द कंसिडरेशन, डेफिनेटली येस। ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट्स आर रिकोगनाइज ऑन मर्केंटाइल बेसिस, ये तो अक्रूअल की बात की, यहाँ बिजनेस एंटिटी की बात करता है, नन की हम बात नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी खर्चे हैं इस रेवेन्यू के इसी पीरियड के, उनको कंसिडरेशन में लाया जाए, आंसर मस्ट बी बी।
नेक्स्ट कहता है कंसिस्टेंसी मीन्स, कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एकाग्रता, जो रूल जो पॉलिसी एक बार लगाई वो चेंज नहीं करनी। इट मींस अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रिक्वेंटली। लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, इसका कोई लेना देना नहीं। एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, अब यहां पर ध्यान दीजिए, एंटिसिपेटेड इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये कौन सा कंसेप्ट था? ये कंसेप्ट था कंजर्वेटिज्म। इसलिए कंजर्वेटिज्म नहीं पूछा जा रहा, यहां कौन सा पूछा जा रहा है? कंसिस्टेंसी। पर्सनल अफेयर ऑफ द प्रोपराइटर और नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, यस आई नो दैट, लेकिन कंसिस्टेंसी का कहां रिलेशन रल रहा है? पार्ट ए में। अब आगे वही प्रूडेंस, जिसको मैंने अभी कंजर्वेटिज्म कहा, प्रूडेंस जिसको हमने कंजर्वेटिज्म कहा। अब लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट टर्म इज नॉट डिस्क्लोज्ड, लॉयल्टी ऑफ द मैनेजमेंट इसको अकाउंटिंग पॉलिसी है नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली। नॉट चेंज वाली हमने कौन सी पढ़ी? अभी हमने पढ़ी कंसिस्टेंसी। इसके साथ ही बात करेंगे एंटिसिपेटेड इनकम्स और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, एंटिसिपेटेड इनकम्स और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दिस इज नोन एज प्रूडेंस, आंसर मस्ट बी सी। एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न में हमने क्या पढ़ा था? गोइंग कंसर्न में हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस चल रहा है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा इनडेफिनेट लाइफ पीरियड के लिए। इट मीन्स एन इनडेफिनेट लाइफ ऑफ द एंटिटी इज एज्यूम्ड, तो पार्ट ए ही बनता है, बाकी नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड, ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशंस दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर अ कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द अजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर एन कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम, आंसर ये भी बनता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नन ऑफ दीज। अब देखिए इनडेफिनेट लाइफ ऑफ द एंटिटी इज एज्यूम्ड, बात ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन, ये मानकर चलना है। यहाँ पर भी क्या करता है? एज्यूम कीजिए दैट एन एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन, उसके ऑपरेशंस चलते रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, इनडेफिनेट लाइफ ऑफ द एंटिटी। बातें दोनों सही हैं, बस मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्होंने सी पार्ट को दिया है, तो यू कैन गो फॉर दिस। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी ये बात करेगा गोइंग कंसर्न की, तो आपने अगर तो सिर्फ इनडेफिनेट लाइफ दिया हुआ तो यू कैन गो फॉर दिस, लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो आपने यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम इज मच अप्रोप्रिएट वर्ड देन द इनडेफिनेट लाइफ, तो यू कैन गो फॉर द पार्ट सी। नेक्स्ट कहता है प्रोपराइटर इज टर्म्ड एज अ क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल एज पर, तो ऑब्वियस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता था? ओनर इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम, सॉरी, बिजनेस इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो हम ये मानकर चलेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि जो ओनर है वो डिफरेंट है, इसलिए जो ओनर का पैसा है वो बिजनेस के लिए उधार है। तो ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। नेक्स्ट कहता है प्रोसीजर्स एंड मैथड्स शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर एज पर, तो प्रोसीजर एंड मेथड्स कंसिस्टेंसी कहता है, जो भी आप मेथड अडॉप्ट करते हो वो चेंज नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द ईयर। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो मनी मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो भाई मनी मेजरमेंट कहता है जो मनी में मेजर हो सकता है उसको रिकॉर्ड करो, जो मनी में मेजर नहीं हो सकता उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मेरे को बताओ क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस मनी में मेजर हो सकता है? कमीशन पेएबल टू सेल्समैन मेजर हो सकता है? दोनों हो सकते हैं या ऑल ऑफ दीज? ऑब्वियस ही बात है क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस मनी में मेजर किया जा सकता है, इट इज़ अ क्वालिटी।
तो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स मेजर नहीं होती, क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स मेजर होती हैं, इसलिए कमीशन पेएबल टू सेल्स मैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स शुड बी इग्नोर्ड बट लॉसेस मस्ट बी प्रोवाइडेड इज फॉर, दैट इज योर प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसको हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहा था। तो हेयर इज योर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, आंसर इज डी पार्ट। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो आपको नुकसान होता है, इनकम होती है, प्रॉफिट होता है या एक्सपेंस होता है। देखिए डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज बी योर एक्सपेंस, आंसर इज व्हाई इट इज एन एक्सपेंस। क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई इट इज एन एक्सपेंस। देखिए ये हमारी सेल है और सेल का कुछ पार्ट हमने सेक्रीफाइस किया, किसके लिए ये पार्ट सेक्रीफाइस किया है, टू प्रमोट द सेल, इसलिए डिस्काउंट अलाउड इज और सेलिंग एक्सपेंस, तो इसको हम एक्सपेंस का पार्ट मानते हैं। स्टॉक ऑफ गुड इज करंट एसेट, क्यों? पहली बात है गुड्स वो चीज़ होती है जिसको हमने बेचने के लिए रखा होता है, और उसका सामान अगर अनसोल्ड हमारे पास पड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान अनसोल्ड रहता है तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक ऑफ गुड्स वाई इट इज अ करंट एसेट, क्योंकि अगर वो सामान आज अनसोल्ड है हो सकता है कल बिक जाए, परसों बिक जाए, क्योंकि हमने उसको बेचने के पर्पस के लिए रखा हुआ है। हेंस आंसर मस्ट बी योर करंट एसेट। नेक्स्ट कहता है एडवांस पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर द परचेज ऑफ गुड्स टू मिस्टर एक्स ही बिकेम, हमने 10,000 रुपया किसी को दे दिया, उससे हमने सामान क्या करना है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, तो वो हमारा क्या बन गया। आप खुद सोचिए यहाँ पर, इस लिहाजे से अगर हम किसी को एडवांस देते हैं जिससे हम उधार पर सामान खरीदते हैं, जिससे हम उधार पर सामान खरीदते हैं, दैट मस्ट बी और क्रेडिटर, दैट मस्ट बी और क्रेडिटर इन द फॉर्म ऑफ किससे, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, यहाँ देख रहे हो फॉर द परचेज ऑफ गुड्स टू मिस्टर एक्स, तो वहाँ पर मिस्टर एक्स क्या बनेगा, ऑब्वियस है वो हमारा क्रेडिटर ही बनता है। अब यहाँ पर एडवांस पेमेंट देने से इन्होंने इसको डेटर कंसीडर किया है, अब आंसर बताता है यहाँ पर डेटर। देखिए जब भी हम एडवांस पेमेंट देंगे, डेटर की एक ही डेफिनेशन है क्लियर कट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसके अलावा डेटर की कोई डेफिनेशन नहीं है। एडवांस पेमेंट अगर हम देते हैं तो हम उस पर्सन को लोन एंड एडवांसेस में रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम परचेज ऑफ गुड्स करते हैं मिस्टर एक्स से, तो परचेज ऑफ गुड्स हम किससे करते हैं, सप्लायर से, जिसको हम क्रेडिटर का नाम भी देते हैं। अब क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ऑल द फैक्टर्स, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर सेंस में देखूंगा तो एक ही चीज देखूंगा, अगर मैं सामान खरीदता हूं मिस्टर एक्स से तो वो मेरा बन जाता है क्या, डेफिनेटली क्रेडिटर या सप्लायर। अगर मैंने उसको एडवांस में पेमेंट दे रखी है 10,000 रुपया, सिर्फ इतना रीड करता हूँ, तो यहाँ पर एडवांस में पेमेंट दे रखी है तो पेमेंट किसको देते हैं, ऑब्वियस है क्रेडिटर को। तो फाइनली योर आंसर मस्ट बी एज पर द क्वेश्चन इज बी, दैट इज क्रेडिटर। तो होप सो आपको 24 MCQs क्लियर हो गए होंगे। रेस्ट ऑफ द MCQs वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।